नमस्कार, दोपहर का दम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय महाधिवेशन के बाद एक नई तरह की सियासत ने जन्म ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा आरोप लगा रही कि आज भी कांग्रेस की राजनीति सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, या यूं कहें केवल और केवल गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती है। बड़ा आरोप लगाया प्रधानमंत्री ने, खुद कहा कि जिस समय राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था, जिस समय फ्लैग होस्टिंग हो रही थी, उस समय छाता जो है वो सोनिया गांधी के ऊपर रखा गया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को छाता तक नसीब नहीं हुआ। और एक बयान आया इसके बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी का कि सोनिया गांधी का स्वागत करने के लिए मोहन मरकाम गए तो उन्हें पीछे धकेल दिया गया। तो वार पलटवार जारी है। हालांकि कांग्रेस ने भी एक वीडियो शेयर किया है जिसमें जेपी नड्डा को पीछे करते हुए कुछ केंद्रीय मंत्री दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की सभा थी तो अलग अलग तरीके से वार प्रतिवार लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महाधिवेशन को लेकर राजनीति और सियासत बहुत तेज हो गई। चलिए, इस पे क्या कुछ कहना है पक्ष विपक्ष का, पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। खड़गे जी दलित वर्ग के हैं, इसलिए किस तरीके से उनको दरकिनार किया जाता है दोनों, उसी तरीके से यहाँ पर मोहन मरकाम है, उनको सरेआम कैसे दुत्कारा जाता है, बैठकों में कैसे मुख्यमंत्री उनको लताड़ते हैं, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और अधिवेशन में जिस तरीके से उनको दरकिनार किया गया, जिस तरीके से उनके साथ में, एक तो मोहन मरकाम के साथ में तो बदतमीजी हुई, उनको तो धकेला तक गया, ये स्थिति इस कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में लगातार दुर्व्यवहार होता है, ये केवल और केवल दिखावे के लिए अध्यक्ष बनाते हैं और उनको सरेआम बेइज्जत करते हैं। सोनिया जी बीमार हैं, लंबे अरसे से उनकी तबीयत खराब है, उनका इलाज चल रहा है। खड़गे जी स्वस्थ हैं, उनको छाता की आवश्यकता नहीं थी, वो झंडारोहण कर रहे थे। सोनिया जी की बीमारी के कारण छाता लगाया गया था। अरे, अपमान करना अध्यक्षों का तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। हम तो अपने अध्यक्षों का सम्मान करते हैं। पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी के साथ में चलने का प्रयास करते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को बड़े ही गंदे तरीके से खींच के अमित शाह ने पीछे किया था। वह वीडियो आज भी वायरल है। भारतीय जनता पार्टियों को बेशर्मी पूर्वक उस वीडियो को देखना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, आपने सुना क्या कुछ कहा केदार कश्यप ने, क्या कुछ कहा सुशील आनंद शुक्ला ने। मैं एक बार चाहूंगा पीसीआर टीम से कि तीनों विजुअल एक बार चलाएं। मोहन मरकाम का जो अपमान की बात कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कह रही अपमान नहीं हुआ है, बीजेपी कह रही अपमान हुआ है। एक जेपी नड्डा वाला भी विजुअल आया है जिस पर जेपी नड्डा को पीछे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरा विजुअल वो आया जो छाते वाला विजुअल। मैं चाहूंगा कि एक बार तीनों विजुअल हम चलाएं, फिर हम अपने जो गेस्ट हैं उनसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जी, तो देखिए, आप देख रहे हैं विजुअल्स में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मोहन मरकाम आते हैं, सोनिया गांधी को कुछ देने की कोशिश करते हैं। और चूंकि देखिए, वहां पर सोनिया गांधी की अपनी सुरक्षा है, पहले तो एसपीजी मिली थी लेकिन अभी भी विशेष घेरा रहता है, और जरूरी नहीं कि सुरक्षाकर्मी पहचान पाएं। और निश्चित तौर पर इसमें बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा जरूर मिल गया है। दूसरा विजुअल आप देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वाला, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए हैं, सोनिया गांधी खड़ी हुई, लेकिन छाता धूप केवल सोनिया गांधी को लग रही है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है। तो ये वार पलटवार है। एक विजुअल और है, जेपी नड्डा को पीछे धकेलते हुए एक वीडियो और सार्वजनिक किया कांग्रेस ने कि देखिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या हाल है। तो ये तो सभी चीजें हैं, देखिए अलग अलग तरीके से वार पलटवार है। मैं सबसे पहले चौहान साहब के पास चलता हूं। चौहान साहब, ये जेपी नड्डा वाला विजुअल अगर आपने देखा, जेपी नड्डा आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे उनको किया जा रहा है। भाई, सुरक्षा कर्मियों को तो नहीं पता कि कौन है मोहन मरकाम, कौन नहीं है। एजाज ढेबर को भी पीछे कर दिया गया था। उनकी सुरक्षा कर्मियों की पहली जिम्मेदारी है, जिसके लिए वो सुरक्षा के लिए खड़े, उसकी सुरक्षा, चाहे कोई भी अगल बगल, शायद वो मुख्यमंत्री को भी देखते तो पीछे कर देते। इसमें राजनीति की क्या आवश्यकता है चौहान साहब? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आदित्य जी, लेकिन कोई एक व्यवस्था होती है, एक व्यवस्था होती है, व्यवस्था के अंतर्गत अगर वो अभिवादन करना चाहते तो ये व्यवस्था होनी चाहिए थी कि पहले जो ये संगठनात्मक ये प्रोग्राम था तो उसमें सबसे बड़ा मुखिया जो होता है प्रदेश का, तो प्रदेश अध्यक्ष होता है। और दूसरी बात ये है कि ये एक दिन का मामला नहीं है, कोई एक ये प्रवृत्ति है, एक्चुअली ये प्रवृत्ति है कि हम पहले भी देखते हैं। अभी देख लीजिए आपने, मतलब ये इनके जो अध्यक्ष हुए हैं
1885 से लगभग 70 अध्यक्ष हुए हैं, 70 अध्यक्ष हुए हैं, लेकिन 1984 के बाद जो 1984 तक सिर्फ 64 ही अध्यक्ष थे और 1984 के बाद सिर्फ 6 अध्यक्ष बदले गए। तो ये पिछले 30 सालों में सिर्फ आप 6 अध्यक्ष बदलते हैं और कमांड अपने जेपी नड्डा के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था क्या चौहान साहब? नड्डा जी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था क्या चौहान साहब? मेरी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है, याद दिला दीजिए एक बार। आदित्य जी मैं प्रवृत्ति की बात कर रहा हूँ, मैं चुनाव की भी बात कर लेता हूँ। चुनाव में मैंने ये नहीं बोला कि इनके इनके चुनाव के हिसाब से हुआ था, वो तो चुनाव जो होता है वो संगठनात्मक अंदर से होता है और अंदर कोशिश यही की जाती है कि चुनाव ना हो, सभी की रजामंदी से हो, लेकिन सभी की रजामंदी एक घराने के अंदर आ जाती है। यहाँ वहाँ पर जो एक परिवार को तवज्जो दिया जाता है, यहाँ पर संगठन को तवज्जो दिया जाता है, वहाँ पर एक विचारधारा को तवज्जो नहीं दिया जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक विचारधारा को तवज्जो दिया जाता है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि संगठन और सत्ता की लड़ाई ये पहले से दिखाई दे रही है। आपने क्यों फोटो नहीं लगाई मोहन मरकाम जी की, जबकि ये संगठनात्मक कार्यक्रम है। सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का काम का कार्य ये जो है वो सत्ता का काम नहीं है, संगठनात्मक कार्य है। आपने फोटो नहीं लगाई, आपने उनको आगे नहीं आने दिया, और अभी जब आप बोल रहे हैं कि ये स्वस्थ नहीं है तो इतना बड़ा प्रोग्राम करने आ रही है और बाकी सब चीजें कर रही है। मैं भंसाली जी से जाओ तो भंसाली जी, ये किस तरह का विजुअल सामने आया है भाई? प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन है, राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा, तो निश्चित तौर पर बड़ी जवाबदारी प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की पीछे कर दिया जा रहा है उनको। सोनिया गांधी जी को आप छाता दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को छाता नहीं दे रहे हैं। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी को गर्मी नहीं लगती या धूप नहीं लगती क्या नितिन जी? बड़ा सवाल है भारतीय जनता पार्टी का। नितिन जी, सबसे पहले तो मैं जो मेरे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि अंदर से नियुक्ति होती थी, अंदर से जेपी नड्डा की कौन सा प्रोसेस है, कौन सी अंदर से नियुक्ति होती है और किसकी रजामंदी से होती है ये बता दें। सबको पता है कि जो मोदी और शाह चाहते हैं वही होता है, दुकान वही आजू बाजू ही चलती है मोदी और शाह के। पहले खुद का गिरेबान जागे। इस तरीके से जेपी नड्डा को अमित शाह ने धक्का दिया मोदी के नजदीक आने पर, और किस प्रकार लाल कृष्ण आडवाणी लाइन में खड़े रहते और मोदी बिना हाथ मिलाए बिना उनको उनका अभिवादन के निकल जाते थे। राजनीति में लाने वाले और राजनीति में स्थापित करने वाले नेता यदि भाजपा में है मोदी को, तो लाल कृष्ण आडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी कहाँ है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं आता हूँ छाते पे, ये कोई मुद्दा है? कल बोल रहे थे कि वो बांस की माला को इन लोगों ने कह दिया कि सोने की माला सबको पहनाई जा रही थी, वहां इनका भांडा फूटा, कुछ नहीं मिला, छाते पे आ गए। अरे भाई, वरिष्ठ नेत्री है, महिला है, सम्मान करो। आप लोगों को तो सम्मान महिलाओं का करना ही नहीं आता। दूसरा, वो अस्वस्थ थी, उसके बावजूद वो अधिवेशन में आई और उन्होंने अपना भाषण भी दिया और अस्वस्थता की वजह से नितिन जी एक बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि शुरुआत में भी नए रायपुर के आसपास जितने भी बैनर पोस्टर थे उसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की फोटो नहीं लगी, फिर उनको ये स्टेटमेंट जारी करना पड़ा कि मेरी परमिशन के बगैर कोई फोटो या कोई होर्डिंग नहीं लगेगी, उसके बाद उनकी फोटो को चिपकाया गया शब्द मैं कह रहा हूं क्योंकि फोटो वहां पर मौजूद नहीं थी। अब ये बताया जा रहा है कि मोहन मरकाम को सोनिया गांधी जी का स्वागत तक नहीं करने दिया गया, थोड़ा समझा दीजिए ना ये हुआ क्या था, चौहान साहब को समझा दीजिए थोड़ा सा। आदित्य जी, मैं एक नहीं 50 फोटो तुरंत आपको अभी व्हाट्सएप में भेजने के लिए, वीडियो और फोटो भेजने के लिए तैयार हूँ। मोहन मरकाम जी ने सोनिया गांधी जी का स्वागत किया, अभिवादन किया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बात आती है फोटो पे, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन तुरंत जैसे ही वो मिस्टेक पकड़ाई उसको सुधारा गया, ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में वो कोरबा में, चौहान साहब प्रिंटिंग मिस्टेक थी, जबरदस्ती आप उसको बड़ा कर रहे हैं मुद्दे को, प्रिंटिंग मिस्टेक थी बोल रहे हैं भाई नितिन जी। यहाँ तक कि स्टेज पर भी उनको आमंत्रित नहीं किया गया था, तो आंतरिक कलह भाजपा में कांग्रेस में नहीं। आदित्य जी इनकी प्रवृत्ति, चौहान साहब प्रिंटिंग मिस्टेक थी बता रहे हैं नितिन जी, वो सबको दिखाई देता है कि ये प्रिंटिंग नहीं, उनका उनकी तस्वीर लगनी चाहिए थी, प्रिंट अलग होता है। और एक मैं तो बता रहा हूँ ना, जवाब दो ना भाई, वो कोरबा में अमित शाह आए थे जब डॉक्टर रमन सिंह कहा थे, उन्होंने पूछा उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया, ऐसा पूरे देश का पहला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होगा जो किसी बिना प्रभार का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। मुझे बताओ किस प्रदेश का प्रभार।
एक एक करके बोलिए जी। नितिन जी एक मिनट चौहान साहब को कंप्लीट करने दीजिए, फिर आपके पास आता हूँ जी। नितिन जी एक मिनट जी। और खाना पूर्ति के लिए बोलते जाओ, बीजेपी ऑफिस में झंडा फहरा दो, उसी में खुश रहो भाई, और इसी प्रकार नितिन जी एक मिनट चैनल में बैठकर हंसते रहो। सेंसेटिव मामला हो, चाहे नक्सलियों का मामला हो, चाहे महिलाओं के ऊपर कोई बात हो रही हो, चाहे बेरोजगारी पर बात हो रही हो, इसी प्रकार हंसकर जो आप लोग। नितिन जी एक मिनट, मैं चौहान साहब के पास आता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ जी। चौहान साहब कंप्लीट करिए। ये छाते के प्रकरण में तो पूरा छत्तीसगढ़ हंस रहा है। सबसे बड़ा वहाँ पर मुखिया अगर कोई था तो आदरणीय अध्यक्ष जी थे, तो उनको सम्मान नहीं दिया गया। और ये देखा जाता है किसके हाथ में है, किसको किसको ज्यादा तवज्जो देना है, संगठन को नहीं परिवार को तवज्जो देना है। अरे आप सच सुनना नहीं चाहते हो, जब हेलीकॉप्टर की लड़ाई होती है, जब आपके प्रदेश कोई वहाँ पर पदाधिकारी आते हैं मंच पे, तो माइक की लड़ाई होती है, आपके कुर्ते फाड़े जाते हैं, आप राजीव भवन में आपके पदाधिकारी आपके अधिकारियों के सामने खड़े होते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक विधायक एक मंत्री के ऊपर जानलेवा हमले की एफआईआर करवाता है। आपका संगठन देखा हुआ है, और ये सब जानते हैं मोहन मरकाम जी का मुंह उधर और मुख्यमंत्री जी का मुंह उधर होता है, उनको सम्मान क्यों नहीं दिया गया। तो मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी संगठन को तवज्जो नहीं देती है, वो एक परिवार को तवज्जो देती है, ये साफ साफ दिखता है। कौन से परिवार को दिया है तवज्जो? चलिए, ये बहस का मुद्दा लगातार जारी रहेगा, लेकिन एक बहुत बहुत साफ है कि जहां सरकार होती है वहां शायद संगठन गौण हो जाता है, और जहां सत्ता नहीं रहती शायद वहीं संगठन सर्वोपरि होता है, और ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि संगठन को अगर प्राथमिकता नहीं मिलेगी, ये संगठन के बल पे ही तो सरकार आई है, चाहे मैं केंद्र की बात कर लूँ चाहे राज्य सरकार की बात कर लूँ। संगठन ने काम किया तब राज्य में कांग्रेस की सरकार आई, संगठन ने काम किया भारतीय जनता पार्टी के तब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। तो राज्य और केंद्र दोनों को ये समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को भी कांग्रेस को भी, कि संगठन सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि संगठन का कार्यक्रम है। हालांकि देखिए, कांग्रेस का इसमें अपना अलग पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी का अलग पक्ष है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, इस महाधिवेशन के सहारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी छवि वहां तक कर ली है जहां तक शायद उम्मीद अगले 20 साल में पहुंचने की थी। इस महाधिवेशन के बाद वो छवि उन्होंने वहां तक कर ली है। कुछ इफ एंड बट्स जरूर हुए, लेकिन पहली बार ऐसा अधिवेशन हुआ है जहां पर किसी तरह का कोई विरोध नजर नहीं आया, कोई बाहर कांग्रेस का बड़ा नेता आकर किसी ने विरोध के स्वर नहीं गुनगुनाया, किसी ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया। तो देखिए, यही वो विचारधारा है जिसके चलते 2024 के आम चुनाव पे कांग्रेस को जाना है, लड़ो और जीतो, यह नारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूरी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो देखिए, सियासत गर्म है, छाते पर सियासी गर्मी अभी लगातार छाई हुई है। फिलहाल दोपहर के दम में इतना ही, आगे खबरों के लिए बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।